ईवी हिंदी पर आपका स्वागत है। ओला S1 Pro और सिंपल एनर्जी जैसे स्कूटर्स रेंज के वजह से ज्यादा लोग प्रिफर कर रहा है, तो अब और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आने वाले हैं और ये स्कूटर भी कर्नाटका से है जो 280 किलोमीटर तक रेंज देने के लिए तैयारी कर रहा है। तो आज हम इस वीडियो में ये हाईएस्ट रेंज देने वाले रिवॉल्ट NX100 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने वाले है। रिवर्ट मोटर्स एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्टार्टअप है जो कर्नाटका के बेलगांव टाउन में शुरू हुआ है। इसका फाउंडर अजित पाटिल आईटी सेक्टर पर काम कर रहा है और ये भी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज किया है। तो अब वो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाने का तैयारी कर रहा है जिसका नाम है रिवर्ट NX100। ये स्कूटर के टच स्क्रीन डैशबोर्ड पर अलग अलग पैटर्न से अनलॉक करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब हर एक ड्राइविंग प्रेफरेंस के लिए एक पैटर्न को सेट करना पड़ता है, जिसके वजह से फैमिली में हर एक राइडर के प्रेफरेंस के लिए ये स्कूटर का टॉप स्पीड एडजस्ट हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं ये स्कूटर के परफॉर्मेंस के बारे में। रिवर्ट ये इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट का इलेक्ट्रिक मोटर से टेस्ट किया है और ये मोटर एक मिड ड्राइव है जो बेल्ट से रेयर व्हील को कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से ये रेयर व्हील को 150 न्यूटन मीटर तक टॉर्क भी मिलता है। ये स्कूटर के टेस्टिंग में इसका टॉप स्पीड लगभग 90 किलोमीटर पर आवर तक है, लेकिन अच्छा रेंज देने के लिए रिवर्ट इसका टॉप स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर तक एडजस्ट किया है। तो अब बात करते हैं ये स्कूटर के रेंज के बारे में जो एक हाईलाइट है। रिवर्ट कहता है कि ये स्कूटर में 280 किलोमीटर तक ट्रू रेंज हमें मिलता है। इस 280 किलोमीटर तक रेंज के अलावा ये स्कूटर में और एक अच्छी बात भी है और वो है 4 डिटैचेबल बैटरीज। ये स्कूटर का बैटरी पैक में 4 पोर्टेबल बैटरीज होता है और ये 4 बैटरीज में हर एक बैटरी 70 किलोमीटर तक रेंज देता है। अब ये बैटरी पैक को चार्जिंग करने के लिए 4 से 6 घंटे तक टाइम लगता है और कंपनी ये स्कूटर के बैटरी पैक का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी देने का प्लान कर रहा है। रिवर्ट मोटर्स एक और टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया है जिसका नाम है स्मार्ट रिकवरी टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का बैटरी 35% तक स्कूटर के रिजेनरेटिव ब्रेकिंग एनर्जी से हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आइडियल ड्राइविंग कंडीशंस भी होना जरूरी है। इतना अच्छा रेंज और पोर्टेबल बैटरीज के अलावा ये स्कूटर में अच्छा डिजाइन भी है और एक कैमरा भी है जो एक्सीडेंट्स के टाइम में एक एविडेंस जैसा होता है। तो अब इसके राइड क्वालिटी के बारे में बात किया तो रिवर्ट इस NX100 पर सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन देने का प्लान कर रहा है। तो अब बात करते हैं ये रिवर्ट NX100 के प्राइसिंग के बारे में। अगर आप 2 मॉड्यूल्स का बैटरी पैक प्रिफर किया तो ये रिवर्ट NX100 99,999 रुपीस तक होता है और एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल लेने के लिए आपको 15,000 से 20,000 रुपीस तक एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ता है। और रिवर्ट मोटर्स इस NX100 को अगला साल सेकेंड हाफ में लाने का प्लान कर रहा है। मेरे ख्याल से ये स्कूटर का बैटरी पैक पोजिशनिंग की वजह से इसमें ज्यादा तक अंडर सीट स्टोरेज स्पेस भी हो सकता है, क्योंकि सभी बैटरीज स्कूटर के फ्लोर पर फिट किया गया है। तो ये रिवर्ट NX100 के बारे में आपके ओपिनियन कमेंट पर जरूर मेंशन कीजिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप्स के बारे में ऐसे जानकारी के लिए हमारे ईवी हिंदी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।